हाय गाइस, आई एम गिरीश कुमार वैष्णव फ्रॉम आइकॉन स्कूल जीजीसी। गाइस, आज क्लास सेवंथ का थर्ड डे है। क्लास सेवंथ डे थर्ड लेसन नंबर वन, अर्थात आपके ये क्वेश्चन आंसर्स आज कंप्लीट हो जाएंगे फर्स्ट लेसन के, ठीक है। इसके बाद हम आपको सेकंड चैप्टर क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। तो ये फर्स्ट, ये आज आपका लास्ट है और आज आपका सिक्स्थ और सेवन्थ, ये लास्ट के जो टू क्वेश्चंस हैं ये कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखिए सिक्स्थ वाले क्वेश्चन पर क्या कह रहा है क्वेश्चन। मंजूषात पदानि चित्वा लिंग अनुसारम लिखत। मंजूषात पदानि चित्वा लिंग अनुसारम लिखत, अर्थात मंजूषा से पदों को चुन करके, मंजूषा जो है, ये मंजूषा, इसको क्या बोलते हैं, मंजूषा। ये जो पूरा है, ये जो पूरा है, ये क्या है, मंजूषा है। क्या है ये, मंजूषा। ये मंजूषा है, इसमें से अपन को पद चुन करके और लिंग के अनुसार अपन को वो पदों को लिखना है, जमाना है। तो आपको पता ही होगा तीन प्रकार के लिंग होते हैं, पुरलिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। जिन स्टूडेंट को पता नहीं है वो या इसको लर्न कर लें। तीन लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, नपुंसक, पुरलिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तीन लिंग होते हैं, फिर दोहरा रहा हूं मैं, पुरलिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, तीन लिंग होते हैं। तीन अब कौन कौन से, ये आपको मैंने बताई दिया है। अब देखिए अपन को तीन लिंग में तीनों के अकॉर्डिंग अपन को जमाना है। अब फर्स्ट है जैसे कि पुरलिंग। पुरलिंग में अपन को सबसे पहले ये देखना है इसमें पुरलिंग कौन सा है। रत्नानी नहीं है, वसुंधरा भी नहीं है, सत्यन नहीं है, सुखी है। आगे देख लो, अन्नम है, वहीन भी है, रवि भी है, पृथ्वी नहीं है, सगीर्तम नहीं है। तो अपन को सबसे पहले पुरलिंग में लिखना है। पुरली कौन सा है, सुखी पुरलिंग है। तो यहां लिख देंगे अपन सुखी, एक ये वन हो गया सुखी, ठीक, वन। इसके बाद मैं डॉट डॉट लगा देता हूं ताकि आपको पता चल जाएगा कौन सा कहां पे कैसे है, ठीक है गाइस। सुखी हो गया। अब स्त्रीलिंग देखेंगे। स्त्रीलिंग में अपना फर्स्ट स्त्रीलिंग जो यहां इस मंजूषा में दे रखा है कौन सा है, देखिए रत्नानी नहीं है, वसुंधरा है, सत्यन नहीं है, सुखी। तो अपन सबसे पहले वसुंधरा ही लेते हैं, वसुंधरा राइट करेंगे सबसे पहले, वसुंधरा, ठीक है गाइस, वसुंधरा। वसुंधरा स्त्रीलिंग, ठीक है। अब नपुंसकलिंग कौन सा आएगा, अब थर्ड वाला जो है नपुंसकलिंग। तो नपुंसकलिंग में कौन सा आएगा, सबसे पहले रत्नानी, क्योंकि ना तो ये स्त्रीलिंग है ना ही ये पुल्लिंग है, तो ये नपुंसकलिंग हो गया, ठीक है। जो ना तो स्त्रीलिंग में आते हो और जो है ना ही पुल्लिंग में आते हो, वो उनको नपुंसकलिंग के अंतर्गत वे वर्ड आते हैं, आप उनको नपुंसकलिंग कह सकते हैं। नेक्स्ट, अब सेकंड वाली लाइन में चलते हैं अपन। तो सेकंड वाली में अपन देखेंगे, सेकंड वाली में अपन ने चेक करेंगे तो अपन को देखिए रत्नानी हो गया, वसुंधरा हो गया, सुखी हो गया, सत्यन नहीं है और अन्नम नहीं, वहीन। फिर आएगा गाइस वहीन, ये हलंत और विसर्गों का खासकर सभी स्टूडेंट्स को ध्यान रखना है, हलंत और विसर्ग सही लगाने हैं, अन्यथा आपकी आप जो वर्ड राइट कर रहे हैं, जो सेंटेंस राइट कर रहे हैं, वो आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग में अब अपने पास आ गया है, अब स्त्रीलिंग में अब अपन चेक करेंगे दोबारा, ये नपुंसकलिंग है, ये स्त्रीलिंग है, ये नपुंसकलिंग है, पृथ्वी स्त्रीलिंग है, पृथ्वी स्त्रीलिंग है, कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है, समझ में आ रहा है सबको, ओके।
नपुंसकलिंग, फिर नपुंसकलिंग। अब नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग जो है इसमें आप चेक करते हैं, आप शुरू से देखो, रत्नानी, वसुंधरा, सत्यन। सत्यन कौन सा होगा? नपुंसकलिंग। ना तो ये स्त्रीलिंग है ना ही ये पुल्लिंग है, ना तो स्त्रीलिंग है ना ही पुल्लिंग है। तो अब नपुंसकलिंग में आएगा क्या आएगा? सत्यन। सत्यन क्या होगा? सत्यन। थर्ड वेव में अब अपन चलेंगे, थर्ड वाली लाइन में। तो देखिए थर्ड में अब कौन कौन से बचे हैं अपने पास? देखिए अन्नम बचा है, रवि बचा है और सगीर्तिम बचा है। तो अब अपन को इसमें से देखना है ये तीन वर्ड में से कौन सा किस्म आएगा। तो देखिए सबसे पहले रवि, रवि है पुरलिंग। कौन सा है रवि? पुरलिंग। और फिर इसके बाद में है हमारा स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग में सांगीर्तिम। फिर बच्चा नपुंसकलिंग, तो नपुंसकलिंग में अपने पास जो सिंगल एक ही बचा है अब अन्नम, तो अन्नम आ जाएगा। अन्नम। ओके गाइस, समझ में आ रहा है? ठीक है। तो देखिए पुरलिंग में अपने थर्ड कौन कौन से आए? तीन जो है अपने, थ्री। देखिए एक तो सुखी है, सुखी, वहीन, वहीन, रवि, रवि। ठीक है। फिर आ गया वसुंधरा, वसुंधरा में अपने सॉरी स्त्रीलिंग। फिर आता है स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग में अपन के थ्री पॉइंट्स जो वर्ड है वो आए हैं। देखिए कौन सा है? एक तो फर्स्ट आया वसुंधरा, फिर पृथ्वी, पृथ्वी, फिर आया संगीर्तिम। ठीक है। अब नपुंसकलिंग आया है, नपुंसकलिंग में थर्ड जो वर्ड आए वो, थ्री जो वर्ड आए वो कौन कौन से है? तो फर्स्ट है रत्नानी, दिख रहा है सबको, रत्नानी। सेकंड आया है सत्यन, और थर्ड आया है अन्नम। ओके, इस तरीके से आपको अपनी नोटबुक में ये राइट करना है, पहले क्वेश्चन, फिर ये मंजूसात बनानी है पूरी, फिर इस तरीके से पुरलिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग लिख करके इस तरह से आपको राइट करना है। अब चलते हैं सेवंथ क्वेश्चंस की ओर। तो इधर देखिए, अधोलिखित पदेशु धातव के संति, अधोलिखित पदेशु धातव के संति अर्थात निम्नलिखित शब्दों को, निम्नलिखित पदों को धातुओं में धातुएं क्या होंगी? अर्थात निम्नलिखित शब्दों की धातुएं, पदों की धातुएं क्या होंगी? तो पदों की धातुएं क्या है अपन देखते हैं। देख, करोति, करोति में कौन सा धातु है? करोति में निकलेगा क्रय, करोति में क्रय, करोति में क्रय, क्रय धातु है, करोति में क्रय। पश्य, पश्य यानी पश्य में निकलेगा दृश्य, क्या निकलेगा? दृश्य, ये धातु निकलेगा। भवेत, थर्ड वाला है भवेत, भवेत में भू, क्या निकलेगा? भू। तिष्ठन्ति, तिष्ठति, सॉरी तिष्ठति, फोर्थ वाला है तिष्ठति। तो इसमें आएगा अपना स्था, ये आपकी बुक में आपके चैप्टर में ये सारे वर्ड हैं, और आप इसकी रीडिंग की जब क्लास लोगे उसमें आपको सारे वर्डों के आंसर मिलेंगे। तो गाइज मैं आपसे फिर कहना चाह रहा हूँ, आप रीडिंग की क्लास पहले लीजिए, फिर क्वेश्चन आंसर्स की क्लास लीजिए। ये समझ में आ गया? इसको पहले करना है, फिर इस तरह से मंजूसा बन जाएगी, फिर आपको थर्ड, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, पुरलिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग राइट करके ये इस तरह से आपको तीनों राइट करने, फिर सेवंथ वाला जो क्वेश्चन है उसमें इस तरीके से क्वेश्चन राइट करना है। 1, 2, 3, 4, ये फोर जो पॉइंट्स ये दिए गए हैं इनके आंसर इस तरीके से आपको इधर डॉट लगा करके और लिखने हैं। ओके गाइज, थैंक यू। ये वर्क आपको डेली भेजना है, वर्क डेली आना चाहिए हमारे पास। जिस बच्चे का वर्क नहीं आ रहा है वो वर्क हमें भेजिए, डेली हम वर्क चेक करते हैं। ठीक है। ओके गाइज, थैंक यू।